नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ श्रुति झा। आज हम बात करेंगे भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्र अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी से, जिन्होंने बहुत पहले ही घोषणा की थी तीन अक्टूबर की, कि उन्होंने कहा था कि महापंचायत करेंगे हम किसानों को लेकर। तो आइए सीधा उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कल की क्या क्या तैयारियाँ हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। कल जो आपकी महापंचायत होने वाली, कितने लोगों की आने की आशंका आपको दिखती है? असंख्य लोग आएंगे। क्यों आएंगे कि भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मेरा मान मंदिर बरसाना पे कार्यालय है, पूजनीय रमेश बाबा हमारे संरक्षक हैं। कभी कभी डिबेट में जब हम गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर के लोगों की ये कहते थे कि ये किसान नहीं, ये अपना पेट भरने के लिए एक गैंग बना हुआ है। वो गैंग जैसे कि 26 जनवरी को उन्होंने आतंक किया, फिर सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे और टिकरी बॉर्डर पे पक्के मकान बना लिए, टीवी और वहाँ एसी चलाते हैं, और फिर 5 सितंबर में टिकैत कह रही थे कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भगा देंगे और उनको मोदी जी को भगा देंगे, और फिर 27 तारीख को भारत बंद कर दिया। कभी कभी एक दो दिन बाद कह रहे थे कि मैं मीडिया वाले या तो मेरे सी कहें यानी उनको भी देख लूँगा। तो ये उनकी आतंकवादी गतिविधियाँ हैं। जब डिबेट में हम बैठे तो उनका एक गुर्गा ये कह रहा था कि भानु प्रताप सिंह तो बिना फौज के सेनापति हैं, तो मजबूरी में हम उसको फौज दिखा रहे हैं। 3 अक्टूबर यानी कल उसको अपनी फौज दिखाएंगे कि तुम बिना फौज के सेनापति हो कि भानु बिना फौज का सेनापति है। इतने लोग होंगे भारतीय किसान भानु के कि आप लोग कल देखना, गिनती नहीं संभाल पाओगे, कितने लोग हैं, कितने ट्रैक्टर हैं, कितने किसान हैं, कितने क्या हैं, ये संभाल नहीं पाओगे, इतने लोग होंगे। आपने कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी आ सकते हैं, ऐसा है? हम तो आज अभी लखनऊ से टूंड ले आ पाए हैं। हम तो 6 दिन से लखनऊ में थे। हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से, और कृषि मंत्री माननीय सूर्य प्रताप शाही जी से, और कानून मंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी से सबसे यहाँ देखने को कहा था कि सब देखो हमारी सेना को, हमारे किसानों की संख्या को, और भारतीय किसान भानु के महारथियों को जो 100% ईमानदार बन के काम कर रहे हैं, और हमने त्याग, तपस्या और बलिदान की कहानी लिख दी है यानी भानु प्रताप सिंह ने, उसको दिखाने के लिए पूरी उत्तर प्रदेश सरकार को बुला रहे हैं। कौन कौन आएंगे ये अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन आएंगे, सरकार आवेगी, उत्तर प्रदेश सरकार आवेगी, ये सुनिश्चित है। आपका जो कार्यक्रम है, जो रैली है, वो कहाँ होने वाली है? इमलिया टूंडला तहसील, ये टूंडला तहसील है, इसे सीधे एटा रोड पे 22 किलोमीटर पे रोड ऑन रोड इमलिया है, इमलिया उमरगढ़ बोलते हैं, और वहाँ हमारा उत्तर प्रदेश भारतीय किसान भानु का कार्यालय है, वहीं पे ये सम्मेलन किसानों का होगा। कल सुबह ये कितने बजे शुरू हो जाएगा? 10 बजे से शुरू जी। और एक बात बताइए मुझे, अगर रोड पे अगर आप निकलते हैं या फिर जहाँ पर आपकी महापंचायत है वहाँ पर आम लोगों को परेशानी भी होगी? ना, ऐसा है, रोड से थोड़ा हटके इधर कार्यालय है, लगभग 0.5 किलोमीटर पश्चिम में, तो इसलिए आने जाने वालों को हम परेशान नहीं करेंगे। हम राक्षस नहीं हैं, ये टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर वाले परेशान करते हैं जनता को, हमें परेशान करने का कोई हमारा मतलब नहीं है, परेशान नहीं करेंगे। तो आप देखो ना, कल देखना, आप हम परेशान करते हैं किसी को? हम मानव हैं, राक्षस नहीं हैं, और किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, उनके अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हैं। हम रावण नहीं हैं, हम राम हैं, भारतीय किसानों भानु, और भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य, और सूर्य का स्वभाव है फ्री में प्रकाश देता है, एक पैसा किसी से नहीं लेता, ना आपसे लिया होगा, लेकिन जब गर्मी पे आ जाता है उल्टी सीधी बातें करते हैं तो फिर कपड़े उतरवा देता है उस आदमी के।